हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने हैं, हम अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे पीसी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, किसी भी लोकेशन पे अगर आप लोगों को न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करना है या फिर न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे विदाउट माउस। बिना माउस के हम लोग यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करने वाले और न्यू फोल्डर क्रिएट करने वाले तो कैसे क्रिएट करेंगे, ये आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना और वहां पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कुछ नई वीडियो अपलोड कर दूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जैसे डेस्कटॉप पे आप लोग यहाँ पे आइकॉन देख रहे हैं दिस पीसी, यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर जैसे डेस्कटॉप पे अगर आप लोगों को न्यू फाइल क्रिएट करना है या न्यू फोल्डर क्रिएट करना है आप लोग कर सकते हो। तो उसके बाद में जैसे हम लोग यहाँ पे ई ड्राइव में चले जाएंगे, जैसे ई ड्राइव में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी फाइल कोई भी फोल्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कीबोर्ड में आप लोगों को मेन्यू की दी जाती है जिसे लिस्ट की भी कहा जाता है, इसके रिलेटेड वीडियो बनाई गई है। यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना, वहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उस की को आप लोगों को प्रेस करना, जैसे मैं यहाँ पे उस की को प्रेस कर देता हूँ। उस की को प्रेस करने के बाद में आप लोगों को W और T ये बटन प्रेस करना है। जैसे उसके साथ में आप लोग WT बटन प्रेस कर दोगे, प्रेस करने के बाद में यहाँ पे देख रहे हैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आप लोगों से नाम देना है आप लोग नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ माय फाइल, यहाँ पे नाम दिए उसके बाद में एंटर किए तो यहाँ पे हम लोगों की न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोटपैड की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आप लोगों को फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल बटन प्रेस करना है, उसके बाद में शिफ्ट बटन प्रेस करना है और साथ में एन बटन प्रेस करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट और एन, ये की आप लोग एक साथ जब प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे न्यू फोल्डर यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों को इसे नाम देना है तो आप लोग नाम दे सकते, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ माय फोल्डर, यहाँ पे नाम देने के बाद में एंटर कर देंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर आप लोग फाइल क्रिएट करना है तो आप लोगों को सिंपल मेनू की जो लिस्ट की कहा जाते हैं वो की प्रेस करना है, उसके बाद में W और T ये बटन प्रेस करना है। और अगर आप लोग न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो आप लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद में यहाँ पे एन बटन प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे आप लोगों का न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज 7 है या विंडोज 10 है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वहां पे ये जो शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया ये वर्क करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही बताना था कि हम लोग अपने कंप्यूटर में पीसी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या फिर डेस्कटॉप पे हम लोग न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर जैसे न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, ये आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती थी इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और अगर आपके जो भी क्वेश्चन है या फिर जो भी डाउट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।